पूरा मामला यूपी के संभल जिले का है। दिल्ली को जाने वाली रोडवेज की कौशाम्बी डिपो बस सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदोसी चौराहे पर देर रात्रि सवारियों के इंतजार में खड़ी थी। बताते हैं कि इसी बीच पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार खड़ी रोडवेज बस में घुस गई। कार में सवार करीब 5 युवक जो शराब के नशे में बताए जा रहे हैं गाड़ी से उतरे और बस में घुसकर चालक से झगड़ने लगे। आरोप है कि शराब के नशे में चूस सभी युवकों ने पहले तो चालक को जमकर पीटा और बचाव में आए परिचालक को भी नहीं छोड़ा। आरोप है कि दबंग शराबियों ने परिचालक से किराए के रुपए से भरे बैग को छीनने का भी प्रयास किया है, लेकिन वे अपने मंसूबों में सफल नहीं रहे। दबंगों की हरकतें यहीं नहीं थमी, उन्होंने बस में बैठे सवारियों के साथ भी बदतमीजी की। आरोपी की बस में सवार महिलाओं के साथ भी बदतमीजी करने लगे। इसी बीच में डायल 100 पुलिस को फोन कर दिया। सूचना मिलते ही डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंच गई और बस में हंगामा कर रहे शराबी युवकों को हिरासत में लेने का प्रयास किया, जिस पर दबंग शराबियों ने पुलिस कर्मियों के साथ भी बदसलूकी करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने सभी दबंग शराबियों को हिरासत में ले लिया है और थाने ले आई है, जहां पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। हाँ, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार शर्मा। अच्छा, क्या करते हैं आप? रोडवेज चलाते हैं। तो क्या हुआ था घटनाक्रम में? सर, मोड़ पर सवारी उतार रहे थे किराए पे। कौन से मोड़ पर? चंदोसी किराए पे। कहाँ से आ रहे थे आप? रोडवेज में जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? बिसोली से। फिर क्या हुआ? उसमें खड़ी हुई गाड़ी में सवारी उतार रहे थे, इन्होंने सेंट्रो पीछे से हमारे पीछे से आपकी रोडवेज में उसके बाद जो हमने अपनी सवारी उतार दे खड़ी हुई में मारी थी इन्होंने, और ये दोनों तीनों उतर के इन्होंने गलेवान पलेवान सब मारपीट चालू कर दी। जी हाँ, कंडक्टर भी पीटा, सवारी ने रोका तो सवारी इनके साथ भी बदतमीजी की, सवारी भी पीटी। कितने लोग थे ये? ये 5 जने थे। अच्छा, तो ये सब ड्रिंक के होते लोग? सारे ने ड्रिंक करा। तो सवारी के साथ भी मारपीट की इन्होंने? सवारी के साथ भी मारपीट की है सर। जो वहाँ मोड़ जो खड़े हुए थे, सवारी तो छोड़ो, जो वहाँ खड़े हुए थे उनके साथ भी मारपीट की है। ये वहाँ जो मोड़ पर खड़े थे। तो कोई लूटपाट भी किया आपके साथ? लूटपाट तो कुछ नहीं करा। अच्छा, मारपीट किया आपके साथ? क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार। क्या हुआ था जी? सर, मैं बिसौली से आ रहा था। क्या करते हो आप? मैं परिचालक हूँ सर। कौन सी बस पर? कौशाम्बी डिपो। अच्छा, क्या हुआ था? सर, मैं बिसौली से आ रहा था तो सवारी उतारते समय सवारी उतार रहा था खड़ी गाड़ी में, ये लोग शराब पी के आए, सेंट्रो गाड़ी थी, इन्होंने पीछे से टक्कर मार दी। हम सवारी उतार रहे थे, ये खिड़की खोल के आए, ड्राइवर को हमें मारने लगे, पीटने लगे, बैग छीनने की कोशिश की इन्होंने हमारे की। अच्छा, जो पैसे भी छीनने की प्रयास किया आपका? हाँ, पैसे छीनने की, मतलब बैग में मशीन थी, पैसे थे हमारे, बेबल था, टिकट थी, इन्होंने छीनने की कोशिश की। तो वहाँ पर जो खड़े चौराहे पर लोग थे उन्होंने मुझे बचाया। इन्होंने तीनों 5 लोग थे, पाँचों लोगों ने मारपीट की है, हमारे साथ भी की है, और जिन्होंने मुझे बचाया है जो पब्लिक थी उनको भी मारा है इन्होंने। उसके बाद ये मार के ड्राइवर को मारा, वो सजा दिया, हमको भी मारा। पैसे बच गए? पैसे बच गए आपके? अभी सर मैंने देखा नहीं है, बैग गाड़ी में है, मैंने अभी देखा नहीं है सर। क्या नाम है आपका? हेड कांस्टेबल मूलचंद शर्मा। अच्छा, तो डायल 100 पर हैं आप? हाँ, डायल 100। अच्छा, तो क्या घटना हुई थी चंदोसी चौराहे पर अभी? ये गाड़ी हमने खड़ी देखी थी, लेकिन वो हम आगे बढ़ गए, मगर पता नहीं क्यों खड़ी है, हमने आगे जाकर गाड़ी खड़ी करी तो ड्राइवर जो भाग का आया। कौन सी गाड़ी का? इसी गाड़ी का, रोडवेज का। कि मैं बहुत देर से नंबर लगा रहा हूँ, 100 नंबर तो लगा नहीं है, आप मेरी हेल्प कर दो। मैंने कहा बताइए भाई क्या हेल्प है? बोले ऐसे ऐसे मेरे साथ वारदात हो गई और जो सेंट्रो वाले हैं उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी है, पीछे से गाड़ी मेरी टक्कर मार दी है। अच्छा, फिर हम लोग उनके पास आए और गाड़ी को और ड्राइवर दोनों गाड़ियों को, तो सेंट्रो को भी और रोडवेज को भी लेकर चौकी का। अच्छा, तो क्या इन लोगों ने सवारी के साथ मारपीट की थी? हाँ, सवारी दो तीन सवारी खड़ी है, उन्होंने बयान किए हैं कि हमारे साथ भी मारपीट की है सवारी ने। तो इन लोगों ने आपके साथ ही बदतमीजी की थी? आप लोगों के साथ? हाँ, बदतमीजी कर रहे थे, बोले तुम क्या करोगे और हमारा मुआवजा दिलवाओ और ये यार वो है, और हमने कोई गाड़ी हमारी टक्कर मारी है इसने। तो आप लोगों के साथ ही मारपीट का या कुछ या इन्होंने बदतमीजी की थी आप लोगों के साथ भी? मारपीट तो हमारे साथ कोई नहीं कर रही है, लेकिन वही दुर्व्यवहार कर रहे थे ये। बदतमीजी की थी आपके साथ? बात नहीं, चलो चौकी पर चलिए आप, हम यहाँ चौकी पर लेकर आए।